नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता के लिए भाजपा विरोधी दलों की सक्रियता बढ़ने लगी है। जहां बुधवार को बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है, वहीं इस क्रम में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद बिहार के सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है और बाद में सभी शीर्ष नेताओं ने मुलाकात को अत्यंत सफल और ऐतिहासिक बताया है। कहा कि सबने मिलकर तय किया है कि आगामी चुनाव में मिलकर चलेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीतीश से मुलाकात के बाद मोदी सरकार पर हमला बोला है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है और सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर सरकार को सत्ता में बदलना जरूरी है, लेकिन विपक्ष के पीएम उम्मीदवार के सवाल पर शीर्ष नेताओं ने चुप्पी साध ली है। वहीं इन मुलाकातों पर बीजेपी ने जमकर विपक्षी दलों में निशाना साधा है, जहां केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के विपक्षी दलों के प्रयासों पर कटाक्ष किया और गठबंधन को भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी पार्टियों का ठगबंधन करार दिया है। इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उस उनके साथ हैं। नीतीश जी में पीएम की क्वालिटी है, ये सब एकदम पूरा कर पूरा कर बात पूरी हो जाएगी। एक मिनट, ये जो अलग अलग दल मिले हैं, ये भ्रष्टाचार के दल में बुरी तरह से घिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं। और मैं तो पहले भी कहता हूँ ना इनकी नीति साफ, ना कोई नीतियाँ एक जैसी हैं, ना विचारधारा एक जैसी है और ना नीयत साफ है। ये तो केवल अपनी साख बचाने के लिए या किसी भी बहाने से जीत दर्ज कराने के लिए इकट्ठे आने का प्रयास करते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा, 2019 में भी हुआ, ये 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हुआ और ये महाठगबंधन जब बना इसमें लोगों ने इनका चेहरा देखा और देखा कि केवल भ्रष्टाचार दिखता है। इसलिए लोगों ने ना इनको 14 में स्वीकार किया, ना 19 में किया, ना उत्तर प्रदेश के 2017 ना 2022 के चुनाव में किया है, क्योंकि लोगों के सामने साफ दिखता है कि कांग्रेस और कुछ ऐसे दल और झूठे वादे करते और सत्ता में आकर पूरे नहीं करते और भ्रष्टाचार का केवल काम करते। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, देर आए दुरुस्त आए, विपक्ष दलों के लिए क्या ये कह सकते हैं जिस तरीके से लगातार अब विपक्षी एकजुटता देखने को मिल रही है? वहीं केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार है मोदी सरकार को। लेकिन नंदिनी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्ष की एकता भले ही दिखाई दे रही है, विपक्ष दो धड़े में तब्दील है, क्योंकि अखिलेश यादव अभी कलकत्ता में उन्होंने बैठक की थी, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस का नाम लिए बना वो अलग तरह की एक विपक्षी मोर्चा बनाने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की बात जरूर होती है, विपक्ष की स्पष्ट नहीं हो पाती विपक्ष में आखिर है कौन। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो विपक्ष के चेहरे की बात करते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, उस पर भी सबकी चुप्पी साध जाती है। कल नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, तेजस्वी यादव मुलाकात की, राहुल गांधी मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं मुलाकातों का दौर जो
स्पष्ट करता है कि आगामी 2024 चुनाव के लिए बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। पर इसके साथ साथ केजरीवाल से मुलाकात का दौर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीपीआई के जो महासचिव हैं डी राजा, और इसके अलावा सीपीएम के मुख्य, अगर हम बात करें तो सीपीएम के मुख्य यानी सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद स्पष्ट हो गया था कि विपक्षी जो एकता है उसको यहाँ पर दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पर विपक्ष के द्वारा अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस उसमें शामिल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ पर कांग्रेस के नाम पर अलग चुप्पी साध चुके हैं। तो कहीं कांग्रेस का अलग विपक्षी एकता कैसे यहाँ पर संगठित होगी, तमाम प्रश्न सामने है। मुलाकातों का दौर जारी है, अगर हम बात करें तो मुलाकात का दौर बीजेपी में जारी है, क्योंकि अभी यहाँ पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। तो मुलाकात का दौर जारी रहेगा, विपक्षी एकता कहाँ सफल होगी और यहाँ पर सत्ता पक्ष से कितने दल यहाँ पर सामने जुड़ेंगे वो खैर देखने वाली बात होगी। नंदनी जी गौरव, लेकिन इस विपक्षी एकजुटता को लेकर देखिए, वही अनुराग ठाकुर ने तंज कसा है और कहा कि ठगबंधन है ये बंधन। अब सत्ता पक्ष में है, उनके द्वारा बयान आते रहते हैं और निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप का और बयानों का दौर जारी रहेगा। महत्वपूर्ण चुनाव है, आम चुनाव है और बीजेपी जहां पर हमें हैट्रिक को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो विपक्षी पार्टी भी कह रही है कि हम यहां पर जीत कर आएंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। वो फिलहाल जो 24 का चुनाव है उसका जो व्यवस्था है, जो परिणाम है वो भविष्य के गर्भ में निहित है, पर निकाय चुनाव में भी बहुत कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तमाम तरह के चुनाव है, तो उसके बाद भी यहाँ पर चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। भाई अगर हम बात करें नंदिनी विपक्षी एकता की, तो विपक्षी एकता सबसे पहले यहाँ पर जुटा दिखानी पड़ेगी। अगर हम बात करें सपा की बात करें या तृणमूल कांग्रेस की बात करें, अगर उन्होंने कांग्रेस से पल्ला झाड़ा तो कहीं ना कहीं जो एक दो धड़े में विपक्ष के बटने की बात भी कही जा रही थी उसको भी यहाँ पर सिरे से खारिज करना होगा और विपक्षी एकता को एक साथ आना होगा, बताना होगा, एक साधन रूप से बयान देने होंगे कि हम सब एक है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही पार्टी अभी तक 224 में से 213 नामों का ऐलान कर चुकी है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेसी नेता नागराज शब्बी कलघाटगी से चुनाव लड़ेंगे। कोलार गोल्ड फील्ड से एससी उम्मीदवार अश्वनी संपगी मैदान में है। दावड़गेरे से उत्तर के विधायक रविन्द्रनाथ का टिकट काटकर उनकी जगह लोकी केरे नागराज को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बिंदूर के मौजूदा विधायक सुकुमार शेट्टी का भी नाम इस लिस्ट में नहीं है, उनकी जगह गुरुराज गुंटूर को टिकट दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि दिग्गज नेता ईश्वरप्पा और पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार की सीटों के लिए अभी तक किसी की उम्मीदवारी का नाम घोषित नहीं किया गया। बता दें कि इससे पहले मंगलवार को पार्टी ने 189 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। मोदी सरनेम वाले केस में सूरत की सेंसेंस कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा रोकने की अपील पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट में याचिकाकर्ता पुरेश मोदी के वकील और राहुल गांधी के वकीलों के बीच दलीलें होंगी। राहुल गांधी ने 2 साल की सजा को चुनौती दी है। राहुल गांधी ने याचिका दायर कर सजा पर रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी 3 अप्रैल को सूरत की अदालत पहुंचकर अपील दायर की थी। अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इस दौरान राहुल के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद थे। देश में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। मास्क एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना के कुल 44,998 एक्टिव केस हो गए हैं। इसके साथ ही इस संक्रमण की डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.42% हो गई है। बात राजधानी की करें तो 12 अप्रैल को कोरोना के 1,149 नए मामले दर्ज किए गए थे। बता दें कि यूपी में कोविड के 446 नए मरीज मिले हैं, जबकि 149 ठीक हुए हैं। अब कोविड के मरीजों की संख्या 1,791 हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, देखिए लगातार कोरोना के जो है मामले वो लगातार बढ़ ही रहे हैं, अब मास्क एक बार फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। इस तरीके से लगातार देश में कोविड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कोविड प्रोटोकॉल पालन करने का निर्देश दे दिया है और जिलाधिकारी ने भी बाकायदा
बयान जारी करते हुए जो लोग हैं उनको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। हर जगह जो है मास्क अनिवार्य कर दिया गया, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, या फिर ऐसे भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जहाँ सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो अब तक सबसे ज्यादा मामले जो है कुल 98 मामले एक दिन में आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या 320 हो चुकी है। तो लगातार कोविड के संक्रमण जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग ने तमाम निर्देश जो है वो अस्पताल प्रशासन लेके सभी को जारी कर दिए हैं कि किस तरीके से इसको कंट्रोल में लाना है। और जागरूकता अभियान भी पोस्टर और बैनर के माध्यम से लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी जो संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है। अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया है, उन्होंने भी कुछ दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बैठक करके जायजा लिया था, स्थिति लिए थी। और आने वाले समय में चुनाव भी होने वाले हैं, उसको लेकर लगातार जो सतर्कता जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार और जो प्रशासन है वो बरत रहा है। और ऐसे में जो संक्रमण की दर है लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को भी इसके लिए सोचना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी होना। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। यूपी में होने वाले मेयर चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, जहां सपा ने लखनऊ सहित 8 जिलों के लिए मेयर पद के उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से जारी की गई इस सूची में वंदना मिश्रा को लखनऊ से, काजल निषाद को गोरखपुर और प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। काजल निषाद भोजपुरी अभिनेत्री है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने झांसी से रघुवीर चौधरी, मेरठ से सीमा प्रधान, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, फिरोजाबाद से मशरूर फातिमा और अयोध्या से आलोक पांडे को मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि पिछले निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक भी मेयर नहीं बन पाया था। पिछले निकाय चुनाव में प्रदेश में 16 नगर निगम में मेयर का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने 14 और 2 बसपा ने अपनी जीत दर्ज की थी। बता दें कि 17 से 8 मेयर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी मेयर लिस्ट की जारी किए हैं, जिसमें से 17 में से 8 मेयर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, सपा ने अपनी मेयर की लिस्ट जारी कर दी है, क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? जी नंदनी, आपको बता दें कि निकाय चुनाव के अब कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों के बाद अब आखिरी जो प्रारूप होता है उस पर आ गए हैं और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी शुरुआत की गई। आपको बता दें कि कल देर शाम अखिलेश यादव और उनके चाचा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और साथ ही साथ लखनऊ पश्चिमी से पूर्व विधायक अभिषेक मिश्रा समेत तमाम लखनऊ क्षेत्र के तमाम विधायक वगैरह पार्टी कार्यालय पर एकत्रित हुए, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि नामों के ऐलान होगा। जिसमें आपको बताएं कि बैठक के बाद जब बैठक खत्म हुई तो गोरखपुर से लेकर लखनऊ से 8 मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया। लखनऊ से वंदना मिश्रा को टिकट दिया गया है, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में तैनात एक प्रोफेसर की पत्नी है, समाज सेविका है। साथ ही आपको बताएं कि इसमें अगर देखा जाए तो लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ और शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या की मेयर की सीटों के नाम का ऐलान हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो समाजवादी पार्टी अब टिकटों के नामों का ऐलान की है, जिसके बाद विधायकों को और तमाम जनप्रतिनिधियों को आदेश दिया है कि अपने जो भी नामों का ऐलान किया गया पार्टी की तरफ से उनके पक्ष में जाकर चुनाव प्रचार प्रसार करें और साथ ही अन्य जो बाकी की सीटें हैं उस पर भी जल्द ही नामों का ऐलान होगा। जी बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाई गई भगवान श्री राम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। तस्वीर शेयर करते हुए ज्यादातर लोग कैप्शन में लिख रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस सहित तमाम ग्रंथों में दिए गए विवरणों के अनुसार ये भगवान श्री रामचंद्र जी की AI जनरेटेड फोटो है। वो 21 साल की उम्र में ऐसा दिखा करते थे। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि जब भगवान राम 21 साल के थे तब वो ऐसे दिखते थे, जबकि एक अन्य तस्वीर में वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जा रही हैं। बता दें कि AI ने भगवान राम के 21 साल की उम्र में
कैसे भगवान राम दिखते थे उसकी एक तस्वीर जारी की है, जिसको सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है और ये तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि रामायण के ग्रंथ में जिस तरीके से भगवान राम को दिखाया गया था, उसी तरीके से AI ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भगवान राम के 21 साल की उम्र वाली तस्वीर शेयर की है, जिसको सोशल मीडिया पर काफी लोग पसंद कर रहे हैं और उस तस्वीर को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर भी कर रहे हैं। इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।